बहुत सारी माताएं बहनें थायराइड की समस्या से बहुत सारी परेशान हैं। तो एक अभ्यास बता रहा हूं, दो चीजों को ठीक करेगा, थायराइड को भी ठीक करेगा और ये जो डबल चिन का जो फैट है ये कम हो जाएगा। कैसे? देखो, एक तो यूं करना है गर्दन को इस तरह से धीरे धीरे से ऐसे 10 times ऐसे 10 times ऐसे 10-10 बार धीरे धीरे से, ठीक है। एक क्या करना है, टीथ को आपस में टच कर लें, इनहेल करते हुए गर्दन को पीछे लेके जाना है, श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे लेके जाओ और श्वास को छोड़ते हुए सामने की तरफ आओ। देखो ऐसे 5 सेकंड होल्ड करो, एक्सहेल कर दो। फिर से इनहेल करते हुए श्वास भरते हुए 5 सेकंड होल्ड करना है, पांच बार करेंगे इस अभ्यास को। इस तरह से 10-10 बार साइड में देखने वाला, 5-5 बार ये, 5-5 बार के कम से कम 2 से 3 सेट करें। गर्दन को आगे ना झुकाएं, ये ध्यान रखें। जिन लोगों को सर्वाइकल नहीं है वो आगे भी झुका सकते हैं और ज्यादा लाभ मिलेगा अच्छा सा, ठीक है। लेकिन जिन लोगों को सर्वाइकल है वो गर्दन को आगे बिल्कुल ना झुकाएं, ठीक है, केवल यहां तक सीधा करें। ये हो गया दो एक्सरसाइज। और अब क्या करना है, बहेड़ा सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, हमारे जो भारत के वैद्य चैनल पर जो हमारे वैद्य हैं उन लोगों के माध्यम से भी आपने सुना होगा बहेड़ा, जो त्रिफला में जो है यूज होता है, प्रयोग होता है, किसी भी पंसारी के यहाँ से मिल जाएगा बहेड़ा, गुठली के साथ मिलेगा। लेकिन आपको गुठली नहीं लेनी है, आपको लेना है उसका छिलका, 100 ग्राम छिलका ले लीजिएगा। और यह क्रिया, ये जो योग है, ये करने से पहले अपने थायराइड को टेस्ट करा लें, अपने डबल चिन के फैट को नोट कर लें और उसके 1 महीने के बाद आप देखें कितना जो है जबरदस्त आपको फायदा मिलेगा। तो क्या करना है, जो बहेड़े का जो छिलका है ना, उसको एक बार तो सुबह उठते ही खाली पेट उस छिलके को छोटा सा टुकड़ा ले लिया और माउथ में डाल लिया, उसको चूसते रहो। थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो गल जाएगा। गलने के बाद आधा गिलास गुनगुना पानी पी लें या 2 सिप गुनगुना पानी पी लें, उसको अंदर ले जाएं। एक बार दोपहर को खाना खाने के बाद, एक बार रात को खाना खाने के बाद ये छोटा छोटा छिलका आपको चूसना है। जब वो गल जाएगा तो उसको पानी के साथ अंदर ले लेना और देखना कितना अद्भुत आपको जो है इसका परिणाम मिलेगा। नमस्ते।